नोटबंदी के 35 दिन पर सबसे विश्वसनीय ग्राउंड रिपोर्ट। किसान के खेतों पर नोटबंदी का कितना असर, गरीबों की रसोई को नोटबंदी से कितना नुकसान, नोटबंदी पर क्या कहती है गांव की चौपाल, गांव के छोटे दुकानदार कितने कैशलेस हुए, डिजिटल दौर में किस दाम पर बिक रही फसल, अब तक गांव की कितनी आबादी हुई डिजिटल, कैशलेस की शुरुआत हो चुकी है अब। नोटबंदी से किसान, मजदूर, व्यापारी खुश या नाराज, नोटबंदी पर देश के किसानों की सुनिए प्रधानमंत्री जी। नोटबंदी का 35वां दिन खत्म होने को है, मगर सवाल यह है कि कैश की दिक्कतें कब खत्म होंगी। कृषि प्रधान देश में किसान और गांव का क्या हाल है, क्या गांव के किसान और छोटे कारोबारी कैशलेस हो गए हैं, क्या वो नोटबंदी के फैसले को सही मानते हैं, ये जानने के लिए हमने किसानों के खेतों से रसोई तक और गांव के दुकानदारों से लेकर अनाज मंडी तक हर स्तर पर लोगों से बात की। आइए आपको ले चलते हैं कैश की किल्लत के दौर में गांव की ओर। आठ नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद से हर बार प्रधानमंत्री ने कहा है कि अर्थव्यवस्था के लिए यह ऐतिहासिक फैसला बेहद जरूरी है, गरीबों और मेहनतकश लोगों को काले धन वालों के दबाव से बचाना है। मुझे मध्यम वर्ग का शोषण बंद करवाना है, उनके लिए लूट जो हो रही है वो लूट बंद करवानी है, और मुझे गरीबों का जो हक है वो हक दिलवाना। दिल्ली से किए गए इस ऐलान के बाद वो लोग जिनके हित की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं उन पर इसका क्या असर पड़ा है, ये जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं दिल्ली से कुछ दूरी पर रहने वाले किसानों के पास। नोटबंदी पर आज तक संवाददाता अशोक सिंघल ने दिल्ली से हिसार का दौरा किया, हिसार में किसान परिवारों से बात की। यह हरियाणा के हिसार का दुर्जनपुर गाँव है। किसानों के खेतों से लेकर रसोई तक और राशन दुकानदारों से लेकर अनाज मंडी तक आपको नोटबंदी के बाद ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। सबसे पहले आपको किसानों के चूल्हे तक ले चलते हैं, क्योंकि नोटबंदी के बाद तमाम जगहों से शिकायतें मिल रही हैं कि रसोई पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। सुनिए रसोई में खाना बनाते किसान परिवार की महिलाएं क्या कह रही हैं। नोटबंदी हुई है जब से, आपका जो चूल्हा है, आपकी जो रसोई है, उस पे क्या असर पड़ा है? जी असर बहुत असर पड़ा है। पहले सब्जी बन जाती थी जी, ये चटनी बनाते हैं, चटनी बनाते जी, असर यो पड़ा जी। आटा चून नहीं देते तो क्या करें, फिर बच्चों को तो खिलाना पड़ता ही है। हिसार के दुर्जनपुर गांव में किसान परिवारों की चूल्हे तो जल रहे हैं, लेकिन कई परेशानियां भी हैं। नोटबंदी के बाद सब्जियां खरीदने में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि बैंक से कैश नहीं मिल पा रहा। दुकानदार से वो लेके आते थे सब्जी राशन, तो अब मिल जाता है आसानी से? आसानी से तो नहीं मिलता जी, परेशानी उठानी पड़ती है। क्यों जी? पहले पैसे पासे चल जाते हैं, नए पुराने ईब चलते नहीं। जरूरत के मुताबिक राशन तो मिल रहा है, लेकिन पसंद का खाना नहीं बन पा रहा है, क्योंकि पसंदीदा चीजों के लिए कैश चाहिए, जो बैंक और एटीएम की लाइन में घंटों खड़े रहने के बाद भी नहीं मिल रहा। दुर्जनपुर के एक और किसान परिवार की रसोई में जाकर नोटबंदी पर बातचीत की गई। चूल्हा जलाने वाली महिलाएं मानती हैं कि ये परेशानी कुछ दिनों की है। थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ रहा है जी। क्या? वो एकदम पैसे की दिक्कत होती है ना, खुले एकदम मिलते नहीं है बंदे। तो उससे क्या फर्क पड़ता है खुले पैसे ना मिलने से? फिर सामान, रसोई का सामान लाने में थोड़ा बहुत दिक्कत होती है ना, फिर इकट्ठे लाना पड़ता है। हालांकि किसान परिवारों में इस बात की नाराजगी भी है कि नोटबंदी के फैसले के बावजूद अब तक काला धन रखने वालों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। काला धन तो ऐसे है जी, लोग काला बाजारी तो अभी भी कर रहे हैं। हमारे पास क्या होता, पैसे देखने को नहीं, और लोग इतने खुले चला रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से आता है। बैंक में जाते हैं, उसकी लिमिट नहीं है, वो कहते हैं कि लिमिट है बस 2 लाख रुपए, आया 3 घंटे खड़े रहे, उसके बाद पैसा खत्म हो जाता है। किसान परिवारों की रसोई के बाद आपको लेकर चलते हैं चौपाल, जहां से गांव की पूरी सियासत और मुद्दे तय होते हैं। नोटबंदी को लेकर के आप, आपसे जानते हैं, पहले नोटबंदी का जो फैसला हुआ है
किस ढंग से देखते हैं? मोदी साहब ने बहुत बढ़िया करे है जी, देखो खाद बीज लिया, थोड़ी परेशानियां जरूर है फिर बहुत बढ़िया करे है जी, बहुत बढ़िया किया है। डिजिटल करने की बात हो रही है कि पूरे कैशलेस किया जाए, तो आप लोग तैयार हैं उसके लिए, कैशलेस करने के लिए क्या आप शुरुआत कर दी है? यस सर, कैशलेस की शुरुआत हो चुकी है। अब जैसे हम मंडी में जाते हैं खाद बीज लेने, तो सब चेक से हो रहा है। अच्छी खेती है। हिसार के दुर्जयपुर गांव की चौपाल में मौजूद किसान नोटबंदी के फैसले से आई परेशानियों से लड़ रहे हैं, फिर भी वो पीएम के फैसले से संतुष्ट हैं। कोई फैसला नहीं पड़ा सर जी, 500,000 कोई नहीं पड़ा जी। ये हम सरसों है, बीज है, गेहूं है, सब कुछ कैसे उसमें हमारे कोई असर नहीं। तो बीज दवाइयां खाद कैसे खरीदते हैं आप? कैशलेस से लेते हैं और इस एटीएम में रखते हैं, एटीएम से लेते हैं। 110 रुपये तैयार है जी। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं, जमींदार को, मजदूर को, किसान को, इसमें कोई समस्या नहीं है। अचानक नोट बंद होने से किसानों के सामने खाद बीज समेत कुछ बुनियादी चीजों की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन परेशानी के बावजूद वो इस फैसले को अपने भविष्य के लिए बेहतर मानते हैं। हमें नगद पैसे, नई करेंसी नहीं मिल रही, पुरानी कोई दे रहा है, पुरानी बाजार में कौन चले। तो मोदी जी का फैसले पे हम सहमत हैं, बढ़िया फैसला है। हमारे को इतनी मौजूदा की व्यवस्था थोड़ी सी बढ़िया कौन बनी है। मोदी जी ने निर्णय बढ़िया लिया, देश का हित में लिया, देश का अगर देश का हित में और देश जैसे विकास कर रहे हम उस पर सहमत हैं जी। लेकिन थोड़ी परेशानियां, परेशानी यही है जी, परेशानी हमने नकदी पैसे पे, नई पुरानी करेंसी पे दिक्कत आ रही है जी, और भाव में रेट में हमारे कोई दिक्कत को नहीं आई जी। किसानों के रसोई से लेकर चौपाल तक लोग कैश की किल्लत से लड़ रहे हैं। बैंक और एटीएम का वही हाल यहाँ भी है जो दिल्ली समेत पूरे देश में है, मगर नोटबंदी के बाद आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसान खुश हैं। अशोक सिंघल, दुर्जनपुर गांव, हिसार, आज तक। यानी किसान सिर्फ कैश की किल्लत से परेशान है, गांव की चौपाल अब भी पीएम के फैसले के साथ नजर आ रही है। अब आपको लेके चलते हैं गांव के छोटे दुकानदार और डेयरी किसानों के पास, देखते हैं वो नोटबंदी के दौर में किस तरह अपने कारोबार को संभाल रहे हैं। नोटबंदी के बाद से पूरा देश कैश की किल्लत से रोजाना जैसे जंग लड़ रहा है। शहरों और कस्बों में तो लंबी लंबी लाइनें हैं, लेकिन गांव का क्या हाल है ये हम आपको हिसार के दुर्जनपुर गांव से ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं। हमारी टीम ने गांव के किराना दुकानदार से बात की। अब हम आप पहुंचे हैं गांव के छोटे दुकानदार के पास, किराना की दुकान है साधुराम किराना स्टोर। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि नोटबंदी के फैसले को किस ढंग से देखते हैं। काम धंधे पे 10% फर्क भी पड़ा है, लोग उधार बढ़ी है और पैसे बैंक में नहीं मिलते हैं, तो लोग कहते हैं हम खाते से ट्रांसफर करवा देते हैं। मैं कहता हूँ करवा दीजिए जी, ऐसे खाते से ट्रांसफर हो जाते हैं। गाँव के दुकानदार का कहना है कि नोटबंदी से सिर्फ इतना असर पड़ा है कि उसकी उधारी बढ़ गई है, यानी लोगों के पास कैश कम है इसलिए वो चीजें उधार ले रहे हैं, मगर कारोबार पर खास असर नहीं पड़ा। हम बहुत अच्छे नजरिए से देखते हैं, पूरी भारतवर्ष की जनता को ये मोदी जी का साथ देना चाहिए, क्योंकि जिस दिन से 8 जिस तारीख थी उससे लेके अब तक मोदी जी ने जो फैसला किया बहुत ही अच्छा किया। अब आपको लेकर चलते हैं गांव में डेयरी कारोबार से जुड़े एक किसान के पास। आखिर डेयरी का कारोबार जो रोजाना कैश पर चलता है, इस पर कितना असर पड़ा है? इस सवाल के जवाब में किसान का दावा है कि व्यापार पुरानी रफ्तार से चल रहा है, नए नोटों की थोड़ी किल्लत है, मगर किसानों का कहना है कि करप्शन और काले धन को खत्म करने के लिए कैश की किल्लत भी बर्दाश्त कर ली जाएगी। अब तक तो कोई भाव रेट में तो बाबूजी कुछ फर्क पड़ा नहीं है, वैसे आपसी का लेन देन पे हमारे पे असर पड़ा है। क्या? हमें नगद पैसे, नई करेंसी नहीं मिल रही, पुरानी कोई दे रहा है, पुरानी बाजार में कौन चले। तो मोदी जी का फैसले पे हम सहमत हैं, बढ़िया फैसला है, हमारे को इतनी मौजूदा की व्यवस्था थोड़ी सी बढ़िया कोई। दुर्जनपुर गाँव के छोटे व्यापारी नोटबंदी के फैसले से ज्यादा परेशान है। कैश की किल्लत को छोड़ दे तो उन्हें इस फैसले से कोई समस्या नहीं, मगर क्या खेतों में फसल उगाने वाले किसान भी यही सोचते हैं? अशोक सिंघल, दुर्जनपुर गांव, हिसार, आज तक। गांव से बाहर निकलते ही कैश की लंबी लंबी लाइनें नजर आती हैं। ऐसे में गांव से अनाज मंडी आने पर किसानों को फसलें बेचने या खरीदने में कितनी मुश्किलें आती हैं, ये उन्होंने इस मुश्किल का हल निकाल लिया है, ये जानने के लिए चलते हैं हिसार की अनाज मंडी में।
खेतों में फसलें उगाने वाला किसान और फिर उन्हें बाजार में बेचने वाले आढ़ती समेत छोटे व्यापारियों पर नोटबंदी के फैसले का क्या असर पड़ा है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने सीधे उस किसान से बात की जो फसल उगाते हैं। गौर से देखिए खाद, बीज और खेती की बाकी बुनियादी चीजों को किसान कैसे मैनेज कर रहे हैं। कोई फसल नहीं पड़े सर, 500,000 में कोई फसल पड़े जी। जी हम सरसों है, बीज है, गेहूं है, सब कुछ कैसे उसमें हमारे कोई असर नहीं। तो बीज, दवाइयाँ, खाद कैसे खरीदते हैं आप? कैशलेस से लेते हैं और रखते हैं, एटीएम से लेते हैं। यानी दुर्जनपुर गांव के किसान पूरी तरह कैशलेस भले ही ना हुए हों, लेकिन वो नोटबंदी के दौर में बहुत ज्यादा परेशान नहीं है। अब आपको लेकर चलते हैं हिसार की अनाज मंडी में, क्योंकि यही वो जगह है जहां किसानों को उनकी फसल की कीमत मिलती है। अनाज मंडी में फसल बेचने वाले किसानों और आढ़तियों के बीच मिली जुली प्रतिक्रिया दिखी। कुछ किसान नोटबंदी के बाद फसलें सस्ती होने से परेशान हैं, तो कुछ किसान कैश की किल्लत से बेहाल हैं। फसल आप लेके आए हैं? हाँ जी सर। नहीं तो जो फसल लेके आए हैं, हाँ, क्या नोटबंदी के बाद क्या फर्क पड़ा उसके ऊपर? नोटबंदी के बाद जी परेशानी तो हुई है जमींदार को, लेकिन जमींदार भविष्य के लिए निश्चिंत है। अगर भ्रष्टाचार खत्म होता है, प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं, अगर वो भविष्य में सही होगा तो पूरे देश के हित में होगा जी। मूंग की बोली लगाई जा रही है, किसान लेके आया है, ये व्यापारी उनकी कीमत लगा रहा है। हिसार के दुर्जनपुर गांव की आबादी करीब 4,000 के आसपास है। कैशलेस की बात करें तो यहां 25% लोगों के पास ही डेबिट कार्ड है, फिर भी लोग चेक और बाकी तरीकों से भुगतान कर रहे हैं। पीएम को उम्मीद है कि देश का हर गांव शहर जल्द कैशलेस हो जाएगा और गांव वालों को उम्मीद है कि वो भी कैश की किल्लत झेलने के बजाय जल्द से जल्द डिजिटल हो जाएंगे। अशोक सिंघल, दुर्जनपुर गांव, हिसार, आज तक।